चाबियां का मोर्चा, तो जिस चाबियां का मोर्चा सफल होया ना तो सरकार मन गई कि असं तुहानू सारिया चाबियां हैंड ओवर कर लगे हाँ। तो उस वेले सीगे साडे आगू सीगे बाबा खड़क सिंह, तो बाबा खड़क सिंह कहिंदे मैं नहीं लैण जाणियां चाबियां, जिले के अधिकारी डिप्टी कमिश्नर वगैरह इत्थे आण, आके अकाल तख्त चाबियां दे के जाण। इहनू कहिंदे ने प्रोटोकॉल, इहनू कहिंदे ने सिख आगू। सिख आगू जाके लीलियां नहीं मारदा कि जा करके लीलियां मारन लग पो, दो घंटे वेट करते रहो तो कहो कि जी साड़ी तो आके साडा जी मंग पत्र लै लो। जिहड़े प्रधान साहब है फिर आके दरियां ते बैठ के धरने दे रहे, दो दो घंटे डीसी का इंतजार कर रहे, कि लगता नहीं कि अकाल तख्त साहब के हुक्मां दी उलंघना? देखो अगर तो साडा जथेदार जथेदार जगतार सिंह हवारा बाहर आ जाए, अगर वह हुक्मनामा यहोजा जारी करे तो उहदे बाद कोई उलंघना करे, देखो किदा फिर सिद्धांतिक तौर पर उन्होंने वट कटीए। हुण तो एक बेबी जथेदार बेचारे ने कढ़िया हुक्मनामा, उन्होंने पता है कि बेबी की गल नहीं मन्नांगे, पिछे जिहड़ा बंदा बैठा है परिवार बैठा है वह साड़ी पीठ ते खलोता है। एक समा सीगा कि श्रोमणी कमेटी का प्रधान एक दबका मार दिंदा सी ना ते दिल्ली के तख्त वाले हिल जांदे सीगे, उन्हां दी चूलां हिल जांदियां सीगियां, उन्हां नूं डर पै जांदा सीगा कि सिख कौम की मिनी पार्लीमेंट ने दबका मारिया। तो इत्थे तक असीं खुद वेख्या अपनी जिंदगी च, एक एक पढ़े लिखे सूझवान व्यक्ति ने पता नहीं इहो जी गलतियां क्यों कर रहे हैं, वो कौम का जिहड़ा पग जिहड़ी है वो नीवी क्यों दिखा रहे हैं। पंजाब दे जंपल लीडर सिखां दे जिहड़े कि श्रोमणी कमेटी की परिक्रमा करते सीगे, वह लीडर जिहड़े ने आज जा करके हरियाणे दे मुख्यमंत्री नूं धन्नवाद करन जांदे ने, वह जा करके सेंटर दी बीजेपी नूं धन्नवाद कर रहे हैं कि जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं जिहड़ा है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाती है, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। एक कौम की एनर्जी की वेस्टेज है, कौम के साधनों की वेस्टेज है, लखां रुपये का जिहड़ा तेल बल जाना है, लोगों की जिहड़ा है पता नहीं ये खर्चा गोलकां ते पैना या किसे ते पैना है। ठीक है, ये तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, मेरे विचार भी इहो ने। श्री अकाल तख्त साहब ते मीरी पीरी दे मालिक दे चरणां च अरदास करके इन्हां नूं कूच करना चाहिदा सीगा दिल्ली। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हुण लगातार ही हरियाणा गुरुद्वारा एक्ट का विरोध किया जा रहा है। पिछले कुछ दिन पहला अमृतसर तेजा सिंह समुंदरी हाल विखे भी SGPC दे मैंबरां दी एक मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग दे विच मता पाया गया कि 4 अक्तूबर नूं SGPC दे मैंबर अते SGPC आगू अते सिख संगत श्री दरबार साहब तो DC दफ्तर तक रोस मार्च करेगी ते DC अमृतसर नूं मंग पत्र देवेगी। लेकिन बीते कल देखण नूं की मिलिया, SGPC दा वफद तां DC दफ्तर पहुंचा लेकिन उत्थे डिप्टी कमिश्नर अमृतसर नूं मंग पत्र देण दे वास्ते सिखां दी सरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ही 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन करना पिया ते उत्थे ढाडी वारां भी गाणियां पईआं। इस संबंधी हुण सोशल मीडिया ते लगातार ही SGPC दी आलोचना भी हो रही है। इस संबंधी साडे नाल गलबात करनगे हवारा कमेटी मैंबर प्रोफेसर बलजिंदर सिंह। पहलां तां वाहिगुरू जी का खालसा जी वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोफेसर साहब, किस तरह देखते हो जो कल वतीरा रहा SGPC का DC दफ्तर के, उस बारे पहला तुहाडा की तांज है? देखो एक घटना अपने आप दे विच बड़ी अफसोसनाक, बहुत ही मंदभागी है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान अपने प्रोटोकॉल नूं एक पासे रख के डिप्टी कमिश्नर जो कि केवल एक जिले तक सीमित है उसनों एक मेमोरेंडम देने लई जा रहे ने, होर उत्थे 2 घंटे उन्होंने वेट करनी पैंदी है। कुल मिला करके मैं समझदा कि कौम का वकार, कौम का जिहड़ा मान मर्यादा जिहड़ी है वह सारा कुछ श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने यह डाउन की है। वो एक पढ़े लिखे सूझवान इंसान ने धामी साहब, और मैं लगता कि उन्होंने शायद ना प्रोटोकॉल नहीं वेख्या कि भी मेरी भावना किनिया वास्ट ने। प्रोटोकॉल का मतलब हो गया कि वो जिहड़े ने वो केवल तो केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, वो तो जिहड़े ने हरियाणा हिमाचल चंडीगढ़ अते उहदे इलावा होर बहुत सारे सूबे
जिन्हां विच जम्मू कश्मीर भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह, यूपी वगैरह, दुनिया च जिथे जिथे सिख वसदे बड़े वास्ट लैवल ते रिप्रजेंट करते हैं। एक सिखां दी मिनी पार्लीमेंट है, उहदे सामने डिप्टी कमिश्नर का कद बहुत छोटा है। होर मैं लगता है कि प्रधान साहब इस चीज़ उत्ते ना गलती कर बैठे ने। अगर उन्होंने अपनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी अपनी किताब जिहड़ी है, होर वो किताब इन्हां दे वल्लों छपी हुई है, श्रोमणी कमेटी वल्लों छपी किताब है जी। होर इस किताब दे विच जिसले चाबियां दे मोर्चे की गल करिए ना, चाबियां दा मोर्चा, तो जिसले चाबियां दा मोर्चा सफल होया ना, तो सरकार मन गई कि असीं तुहानूं सारियां चाबियां हैंडओवर करन लगे हां। तो उस वेले सीगे साडे आगू सीगे बाबा खड़क सिंह जी, तो बाबा खड़क सिंह कहिंदे मैं नहीं लैण जाणियां चाबियां, जिले के अधिकारी डिप्टी कमिश्नर वगैरह इत्थे आण, आके अकाल तख्त ते चाबियां दे के जाण। इहनू कहिंदे ने प्रोटोकॉल, इहनू कहिंदे ने सिख आगू। सिख आगू जाके लीलियां नहीं लांदा मरदा कि जा करके लीलियां मारन लग पो, दो घंटे वेट करते रहो तो कहो कि जी साड़ी तो आके साडा जी मंग पत्र लै लो। होर भी मंग पत्र किहनू देना है? नरेंद्र मोदी नू। कुल मिला करके मैं समझदा कि ये एक बड़ी वड्डी इन्होंने गलती की है। होर इन्हां नू पता लग जाना चाहिए सीगा कि श्रोमणी कमेटी का कद काठ किन्ना बादलों ने छोटा कर दिता है, कि बंदी सिंघां दे मुद्दे दे उत्ते जिहड़ियां चिट्ठियां लिखियां गई टाइम लैण वास्ते, वो टाइम लैण वास्ते चिट्ठियां लिखिया गई प्रधानमंत्री नू, होम मिनिस्टर नू, केजरीवाल नू, वगैरह वगैरह वगैरह, किसी ने कोई जवाब नहीं दिता। एक समा सीगा कि श्रोमणी कमेटी का प्रधान एक दबका मार दिंदा सी ना, ते दिल्ली के तख्त वाले हिल जाते सीगे, उन्होंने चूड़ा हिल जांदियां सीगियां, उन्होंने डर पै जांदा सीगा कि सिख कौम की मिनी पार्लीमेंट ने दबका मारिया। तो इत्थे तक असीं खुद वेख्या अपनी जिंदगी कि उत्थे डीसी आ करके, उत्थे SSP आ करके, तेजा सिंह समुद्री हॉल दे विच आ करके उत्थे प्रधान दे नाल मीटिंगां करदे रहे ने। सो एक एक पढ़े लिखे सूझवान व्यक्ति ने पता नहीं इहो जी गलतियां क्यों कर रहे ने, वो कौम दा जिहड़ा पग जिहड़ी है वह नीवी क्यों दिखा रहे ने। इहदे पिछे मैनूं लगदा है कि प्रकाश सिंह बादल ने अडवाणी दे टाइम ते ते वाजपेई दे टाइम ते नागपुर वालियां नाल इक संधि कर ली सीगी, उत्थों इन्हां ने नाम लै लिया सीगा। जिवें लोकी गुरमीत राम धीम दे कोलों नाम लैंदे ना, नाम चर्चा विच है नाम लै लैंदे ने, इस जिहड़ा प्रकाश सिंह बादल ना इन्हें नाम लै लिया। होर वो जिहड़ा है वो सोच अज भी चल रही है, बेशक गठबंधन टुट गया, 24-25 साल गठबंधन रहा भाजपा दे नाल, होर वो इन्नी खुल दित्ती गई भाजपा नूं, इन्नी खुल दित्ती गई है कि अज अकाली दल दे कैडर दे विच जिहड़ा है वो भाजपा घुसपैठ कर गई है, RSS घुसपैठ कर गई है, इन्हां दी संस्थावां दे विच कर गई है। सो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो एक बड़ा ढिला जिहा, एक नरम जिहा प्रोग्राम दिता जा रहा है। एक गूढ़ी लकीर खिंचनी चाहिए सी धामी साहब नूं, एक ऐसी लकीर खिंचनी चाहिए सी जिहदे विच कि पता लग जांदा सेंटर सरकार नूं कि भई असीं एक बड़ी वड्डी गलती कर बैठे हाँ। सुप्रीम कोर्ट नूं भी पता लग जांदा कि भई असी एक लीगली भी बड़ा गलत फैसला कर चुके हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत फैसला कर चुके हैं। ये मैसेज असी देने दे विच फेल हो गए। 2014 दे विच जिस वेले ये हरियाणा विधानसभा ने मता पास किया सीगा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारे, मैनू लगता है कि उस टाइम तो लैकर के अगर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, श्रोमणी अकाली दल ने अगर सिखां दे हितां नूं वॉच करते हुए अगर उन्होंने उस वेले तो लैकर के हुण तक एक कौम दे विच जागरूकता पैदा की होंगी, और जिहड़े कि ये करन च फेल हो गए, तो मैं लगता है कि 2022 विच जिहड़ा सितंबर विच जिहड़ा फैसला आया है ये फैसला नहीं आना सीगा। 2014 तो लैकर के 2019 तक श्रोमणी कमेटी साइलेंट रही है जी। लेकिन प्रोफेसर साहब इतने सवाल ये भी खड़े होंगे कि हरियाणा हरियाणा गुरुद्वारा जिहड़ा प्रबंधक कमेटी है, अगर वो हरियाणा सरकार को जान दी है तो जिहड़ी संगत ने मैंबर चुन के उस गुरुद्वारा कमेटी के भेजे है उन्होंने वालों किसी तरीके की कोई किंतु नहीं की जा रही, तो फिर SGPC किंतु क्यों कर रही? देखो ऐदा है कि ये सारा कुछ पोलीटिकली मोटिवेटड है जी। जिसे 2014 की गल चली ना तो उस वे कांग्रेस ने पूरा मोटीवेट किया कि भी सिख शक्ति नूं, सिख संस्था नूं कमज़ोर किया जाए, और उस सिख संस्था नूं कमज़ोर करने वास्ते जिहड़ा सीगा उस वेले भुपिंदर सिंह हुडा सीगा जिहड़ा मुख्यमंत्री सीगा, उस वेले सारी चीज़ का जिहड़ा सीगा इहदी ग्राउंड बनाती गई सीगी। उस वेले इस बिल्कुल साइलेंट रहे,
अगर हरियाणे के सिख किसी कारणवश बादलों की गलत नीतियां करके डिससैटिस्फाइड सके तो उस वेले भी सानू जिहड़े सीगे इहदी रोकथाम वास्ते प्रबंध कर लेने चाहिए सके। हुण जिहड़ा ये वर्डिक्ट आया है जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का, मैं समझदा 1984 दे विच तां एक कहिंदे ने ब्लू स्टार ऑपरेशन होया जिहनूं कि असीं लोग वड्डा घल्लूकारा कहिंदे आ, ठीक है, वह जिहड़ा सीगा उहदे विच तां टैंकां तोपां दे नाल हमले किए गए सीगे, अकाल तख्त साहिब ढह ढेरी करता गया सीगा वगैरह, नुकसान बहुत होया सीगा। लेकिन जिहड़ा ये 2022 दा वर्डिक्ट आया ना, इहने साडी सिख संस्थावां नूं कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ढह ढेरी किया, एक बड़ा वड्डा एक अटैक है। होर मैं गल पहला भी कहिंदा सीगा जिहड़े पढ़ांदा सी ना क्लास में, मैं गल कहा करदा सी बच्चों, मैं कहा बच्चों दसो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, मेरा आम सवाल हुंदा सीगा। ये मैं अज की गल नहीं सुना रहा, मैं बहुत पुरानी गल सुना रहा, बच्चों मैं क्या कहता सीगा तो बच्चों को जवाब नहीं मिलता सीगा, तो बच मैं कहना सीगा तो जवाब यह है कि कांग्रेस इज अगेंस्ट द सिक्स एंड द बीजेपी इज अगेंस्ट द सिखिज़म। अज ये चीज़ प्रूव हो गई कि बीजेपी जिहड़ी है वह सिद्धांतों संस्थावों ढह ढेरी करन दे विच विश्वास रखती है, कांग्रेस ने जो कुछ किया बिल्डिंग ढाई अकाल तख्त ढाया, ठीक है, साढ़े सिंह शहीद करते, लेकिन बीजेपी कहती ना अकाल तख्त नहीं ढाणा, अकाल तख्त नहीं ढाणा, इन्हां दे सिस्टम नूं ढाणा है। तो उहदे विच ओह लीगल कोर्स अडोप्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली उन्होंने ऐसी घेराबंदी करके रखती है कि पंजाब दे जंपल लीडर सिखां दे जिहड़े कि श्रोमणी कमेटी की परिक्रमा करते सीगे, वह लीडर जिहड़े ने अज आ करके हरियाणे दे मुख्यमंत्री नूं धन्नवाद करन जांदे ने, वह जा करके सेंटर दी बीजेपी नूं धन्नवाद कर रहे हैं कि जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं जिहड़ा है कि हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाती है, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। दरअसल दे विच बीजेपी एक ऐसा खंजर है, एक ऐसा हथियार है जो कि मैं समझदा कि सिख कौम के भविख वास्ते बहुत नुकसानदायक साबित होएगा। प्रोफेसर साहब हुण 7 तरीक की गल करिए, पंजाब के वख-वख जिलों च जिहड़े इतिहासिक गुरद्वारा साहिबाना तो या तख्त साहिबाना तो मार्च शुरू होएगा जो अमृतसर श्री अकाल तख्त साहब तक आएगा, एक रोस मार्च होएगा, कहिंदे प्रधान साहब कहिंदे गोल्डन गेट तक रोस मार्च होएगा, उस तो अगे श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास होएगी। कि लगता नहीं कि श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करके इतों दिल्ली वालू चाले पाने चाहिए सी तां जो कि कुछ सिट्टा भी निकल के सामने आंदा? बिल्कुल, तुहाडे सवाल नाल मिलदे ने, ये कौम की एनर्जी की वेस्टेज है, कौम के साधनों की वेस्टेज है, लखां रुपये का जिहड़ा तेल बल जाना है, लोगों की जिहड़ा है पता नहीं ये खर्चा गोलकां ते पैना या किसे पैना है, ठीक है। ये तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, मेरे विचार भी इहो ने, श्री अकाल तख्त साहब ते मीरी पीरी दे मालिक दे चरणा च अरदास करके इन्हां नूं कूच करना चाहिए सीगा दिल्ली, और जा करके उत्थे सारी इंटरनेशनल प्रेस नूं ते सिख संगतां नूं, ये नहीं कि श्रोमणी कमेटी के मुलाजम लै जाओ, उस तो पहला इन्हां नूं चाहिए सी धामी साहब नूं ये बादलों के खेमे चों बाहर आण ते सारे वड्डे स्पैक्ट्रम दे विच सारी सिख जथेबंदियों नाल लै करके दिल्ली वाले पासे कूच करदे, और ता ही इस मसले का हल हो सकता है। मेरे ख्याल मुताबक ये तख्त श्री केसगढ़ साहब तो तलवंडी साहबो तख्तों अते फिर मंजी साहब तो उत्थों आ करके अकाल तख्त वापस आना, मैं लगता है कि एक मिसडायरेक्टेड एक दिशाहीन प्रोग्राम है, ये कुछ भी नहीं निकलेगा, ये ता ही कोई गल निकलेगी जेकर असी यदा कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हल कोई लभांगे अते भाजपा नाल दूरी बनावांगे। प्रोफेसर साहब जदों बंदी सिंघां दी रिहाई दा मुद्दा बहुत पीक ते उठिया सी पिछे जी, तां लगातार ही प्रधान साहब हुणां वल्लों दिल्ली जा के केजरीवाल नाल भी मीटिंग करन दी कोशिश कीती जा रही सी, टाइम नहीं सी दित्ता जा रहा, तां उदों जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने कहा सी कि सिखां दी सरमौर संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर किसी दे अगे लेलड़ियां नहीं कढेगी, कितें धरने प्रदर्शन नहीं करेगी, किसी दे अगे दरियां विछा के नहीं बैठेगी, ये हुक्मनामा जारी होया सी। लेकिन फिर SGPC दे जिहड़े प्रधान साहब है फिर आगे दरिया से बैठ के धरने दे रहे, दो घंटे DC का इंतजार कर रहे, कि लगता नहीं कि अकाल तख्त साहब के हुक्मों की उलंघना है? देखो अगर तो साडा जथेदार जगतार सिंह हवारा बहर आ जाए जी, अगर वह हुक्मनामा योजा जारी करे तो वो बाद कोई उलंघना करे जी, देखो कि फिर सिद्धांतिक तौर पर उन्होंने वट कटीए। हूँ तो एक बेबी जथेदार बेचारे ने क्ढ़िया हुक्मनामा, उन्होंने पता है कि बेबी की गल नहीं मनांगे, पिछे जो बंदा बैठा है परिवार बैठा है वो साड़ी पीठ से खलोता है, ये कुछ नहीं कर सकता। दो दिन पहला असी
जथेदार तेजा सिंह पुच्चर की 83वीं बरसी मनाई है दो दिन पहला। ठीक है, वो तेजा सिंह पुच्चर की अगर शख्सियत देखोगे तो वो सामने जेकर असी जो मौजूदा ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उन्होंने शख्सियत में वेखीए तो कद बड़ा छोटा जहा नज़र आता है देखने भी तो शख्सियत की बहुत पक्षी जी है विशेषता पक्षों भी। सो कुल मिलाकर देखा जाए कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह की गल जब श्रोमणी कमेटी ही नहीं मन रही अकाली दल ही नहीं मन रहा तो वह कहदे जथेदार ने बड़ी एक हासोहीणी गल है अफसोसनाक गल है कि साढ़े बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह सी प्रोफेसर बलजिंदर सिंह जिन्होंने गलबात की हरियाणा कमेटी विरुद्ध जो SGPC वालों प्रदर्शन किए जा रहे उसनों लैके उन्होंने कहा कि सिखा की सरमोर संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हों डिप्टी कमिश्नर आके धरने प्रदर्शन कर बजाए ज श्री अकाल तख्त साहब से प्रदर्शन करके आके अरदास कर बजाय इन्हों श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करके दिल्ली वालू चलना चाहिए तो कि किसी सिट्टे पर पहुँच सकन। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है यह सिर्फ समा खराब कर रही है। इस दे नाल ही हुण देखना यह होगा कि जिस तरीके नाल श्रोमणी कमेटी ने प्रदर्शन करके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह के हुक्मनामे की जो उन्होंने वालों किया गया हुक्मनामा उसकी उलंघना की है। हुण देखना होगा कि जथेदार साहब श्रोमणी कमेटी को कोई धार्मिक सज़ा सुनाते हैं जां यह मामला ठंडे बस्ते च पै जांदा है। मुकेश मेहरा सुरखाप टीवी अमृतसर।